और टू नेचर कलाकार डिंपल शाह कारखानिस द्वारा बनाई गई कला की प्रदर्शनी का उद्घाटन लुलू राघवन मैनेजिंग डायरेक्टर लैंडर एंड फिच द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी 1 अगस्त से शनिवार 6 अगस्त 2022 तक कमल नयन बजाज आर्ट गैलरी नरिमन पॉइंट में जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। मुंबई में रहते हैं जहाँ पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनने जा रहे हैं और कहीं पे फूल पत्ते छोटे छोटे होने जा रहे हैं, बाग बगीचे में लोग हैं, सब देख रहे हैं, बट कितना हम घर लेके जाते हैं, कितना उसको हम सराहते हैं, वो मेरी सोच थी। और हर पेंटिंग में मैंने उसकी कोशिश की है कि कहीं पे हम उसको पकड़ के, अगर हम ख्याल ना रख पाए तो फिर वो बहुत दुख है। तो पिक्चर में भी अगर उसको हम उसका आनंद ले सके, उसको देख के उसको याद कर सके, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो मैंने उस हिसाब से मेरा पहला जो पिक्चर है उसको ट्रैंक्विलिटी बोला गया है, तो वो कमल के ऊपर है। और मेरी वो पिक्चर के पीछे की जो प्रेरणा थी कि कमल जब खुलता है उस हिसाब से उसकी इर्द गिर्द की दुनिया उसको अपने हिसाब से खुलने देती है। और सारे पिक्चरों में पेंटिंग्स में आप देखेंगे तो कमल है, फूल है, और उसमें मैंने मूवमेंट का एक प्रयास किया है और उसको मैंने पेंटिंग में डालने की कोशिश की है। पानी हो, गुलाब हो, कोई भी आप देखेंगे तो उस हिसाब से किससे प्रेरणा ले। पर हमारे इर्द गिर्द माने एक गैलोर करके पेंटिंग है, मैं ऐसे मानती हूँ ना, हम दोस्त अपने सिलेक्ट कर सकते हैं, दोस्त हम अपने बना सकते हैं। माँ बाप हमें चुनते हैं, माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वैसे फूल भी जब उसका समय होता है वही समय पे खिलता है। और उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, इर्द गिर्द के जो दूसरे फूल है, वो भी उसी समय पे खिलते हैं। तो ये सब मेरा एक प्रेरणा, मेरी एक प्रेरणा रही है कि मैं प्रकृति को इसमें बांध के पकड़ लूँ, वो समय को, कि एक साथ जब 10 फूल खिल जाए, एक साथ जब 10 पत्ते आ जाए, माने हम कहीं तो सही रहेंगे। आप मानोगे नहीं, मेरी सारी पेंटिंग में पहले ब्लैक कलर से चालू करती हूँ, ब्लैक के बाद ग्रीन आता है, ब्लू आता है, और मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या बना रही हूँ। बट पता नहीं कहीं कहीं पे हर पेंटिंग हमें ये बताता है कि मुझे ये कैनवस पे क्या बनना है। जैसे कि ये लीजिए, ये जब मैंने चालू की थी पूरी ब्लैक से चालू की थी, पर उसके बाद जब मैंने ब्लू डाला तो माने ऐसे लगा कि ये 3 डायमेंशनल बन गई। 3 डायमेंशनल माने ऐसे रिफ्लेक्शन जो बोलते हैं ना, पानी का रिफ्लेक्शन, माने ये बैठा है, हम वहाँ बैठे हैं, पानी भी वहाँ है, पर जो उस पर धूप पड़ती है वो धूप की जो एक गर्मी अपने दिमाग में एक वार्म फीलिंग आती है वो मैंने पकड़ी है। और हर एक पेंटिंग में मूवमेंट है, मूवमेंट मेरी जान है, क्योंकि पत्ते आके चले जाते हैं, फूल आके चले जाते हैं, झाड़ मुरझा जाते हैं, लेकिन वो जब हवा में जाते हैं और कहीं और जाके बैठते हैं तो वही मैंने पकड़ा है। तो आप देखेंगे हर एक पेंटिंग में मेरे पत्ते यहाँ से उधर जा रहे हैं, फूल यहाँ से उधर जा रहे हैं। मैंने किसी को बिठा नहीं दिया है कि पेंटिंग माने बस पिक्चर के जैसे अटक जाए, ऐसा नहीं है। बहुत मिला, बहुत ही मिला। मेरे हस्बैंड है संदीप कारखानिस,
वो आर्किटेक्ट है और उन्होंने काफ़ी मुझे प्रोत्साहित किया है। उनके पिताजी है जो बहुत मल्टीफैसिटेड है, वो गाना, म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर सब चीज़ों में माहिर, और उन्होंने मुझे जब भी मैं पेंटिंग बनाऊँ उसमें कुछ डेप्थ मिसिंग है, कोशिश करो शायद वो आ जाए, और वो मैंने उनकी गाइडेंस से बहुत सीखा है। मेरे इर्द गिर्द लुलू जैसे काफ़ी सक्सेसफुल लोग भी रहे हैं जिनकी कभी कभी मैं, अभी तो ब्लॉग्स हैं, अभी तो वेबसाइट्स हैं, तो शायद उनके ब्लॉग पे जाके हमें कुछ पढ़ने को मिले जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिले, जिससे हम कुछ दो लाइन पढ़ के उसे पेंटिंग में ढाल दें। तो मैं गुजराती बैकग्राउंड से हूँ। आपके पीछे एक तोते का पेंटिंग है, उसको गुजराती में मैंने नाम दिया है सरोवर निपार। वो काफ़ी पॉपुलर माने बचपन की स्टोरी है जिसमें हम बोलते हैं कि पोपट भूख्यो नथी, पोपट तरस्यो नथी, पोपट आंबा नी डाल, मीनिंग हम सब कहीं कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो शायद मेरे इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं जो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं इस चीज़ में बनाने। नहीं, सो बेसिकली क्या है, एज एन आर्किटेक्ट जो मेरा एक विजन होता है कोई भी साइट पे, आज हम लोग खुद इतना आर्ट खरीदते हैं, बट मैं जो डिम्पल के काम का एक यूएसपी बोलता हूँ वो दो चीज़ है। एक उसका टेक्निक, बिकॉज पैलेट नाइफ इज़ नॉट अ वेरी कॉमन टेक्निक जो आजकल अपने को दिखती है। मोस्ट पीपल डू वाटर कलर्स या यू नो ऑयल ऑन कैनवस। सो बहुत बड़ी यूएसपी है डिम्पल की, एंड उसने वो टेक्निक मास्टर की है। सो अगर आप स्ट्रोक्स देखेंगे तो वो स्ट्रोक्स और उसका जो एक कंपोजिशन है एंड ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स आई थिंक इज़ फिनोमिनल। और सेकेंडली जब आज जैसे उसने मेंशन किया था कि टुडे इन अर्बन सिटीज़ विद अर्बनाइजेशन आज वी नीड टू ब्रिंग नेचर इनटू आवर होम, हम लोग आज मैक्स बॉक्सेस में और आउटडोर स्पेसेस को भूल गए। सो उस चीज़ के लिए आज ये थीम बहुत रेलिवेंट है, ओड टू नेचर, एंड आई थिंक कि ये दोनों एस्पेक्ट्स आई थिंक आर द यूएसपी ऑफ दिस एग्जीबिशन। हमेशा वो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे डेड वॉल आ गई है, अब क्या करें, अभी बिल्डिंग को तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं, जैसे कि झरोखा है, पेंटिंग सब लोग लगाते हैं, बट उस झरोखा और पेंटिंग का मैंने मिलाप ऐसे ट्राई किया है कि अगर वो डेड वॉल हो और हम दोनों वहाँ बैठे हो तो ऐसे लगता है कि हाँ सूरज उग ही रहा है, हम बैठे हैं और सूरज उग रहा है, हमेशा देख सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो सारे चीज़ों को वो ध्यान में रख के उनका भी एक्सपीरियंस मैंने अपने पेंटिंग्स में यूज़ किया। और अगर आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि सब जितने भी आज पेंटिंग्स जो डिस्प्ले पे है वो सिर्फ फ्लैट कैनवस पेंटिंग्स नहीं है, दे आर ऑल्सो आर्ट इंस्टॉलेशंस। सो उन्होंने कुछ 3D वर्क किया है, ट्रेलिस किया है, लाइव प्लांट्स को विथ द पेंटिंग इनकॉर्पोरेट किया है। आई थिंक दैट थॉट और वो एग्जीक्यूशन भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मानेंगे नहीं कि एक ऑनेस्टली जो हम लोग एक थॉट प्रोसेस होता है कि वो कुछ पेंटिंग प्रोड्यूस कर रही है और मैं रात को घर आता हूँ तो मेरा हमेशा उसके ऊपर कुछ कमेंट होता है, बट द फाइनल प्रोडक्ट वी बोथ इक्वली लाइक इट, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कि उसने कुछ आर्ट या कोई कैनवस प्रोड्यूस किया हो और मुझे पसंद ना आया हो। This technique Dimple has brought back and shown how nature, which is so simple, can be so layered, whether in the painting itself through the many layers which give so many dimensions, or as Sandeep said, bringing in window and other elements which totally change the dimensionality of the paintings. What I find most special about Dimple's painting is the depth. In fact, even when you hear her speak, the soulfulness with which she speaks and she
special and beautiful. So any of these pieces, if you keep it in your house, you can continue to have your own conversations with it. And as Dimpy has rightly said, we need more nature in our homes. And rather than having abstract paintings, bringing in such beautiful natural elements in with a combination of contemporaneous, I think is very, very special, very different and unique. Till 6th August, Saturday tak, ek hafte ke liye. So, aaj inauguration hua hai and tomorrow 1st August, Monday to 6th August, Saturday, ye exhibition chalu rahega. Aur last day 6th August, Saturday. Aur ye title hai na, Ode to Nature. You should pick up the word ode. Ode is poetry. Poetry is soulfulness. And so, sari paintings jo dekhenge, there's a depth and soul to them. Artist, she has done a phenomenal job with her paintbrush. So I think the paintings themselves speak a lot about what she's all about. And I think there is no better time in the world to really acknowledge the importance of art and nature. So I just hope that all the art that's around here brings a lot of tranquility and peace to everybody who has come to visit this exhibition. And I would encourage everyone to come here and see it. I think it's really valuable and important that in today's day, when somebody is so busy doing so many things, family life, Dimpy is also teaching, that you can combine and find time for art in your life. So I think that's something that's really important, and it's an example of how you can also find time for your passions. We call her by the childhood pen name, has produced some of the outstanding paintings which I can see in this novel. And I have seen artists combining various colors and producing very exciting shapes. But here, besides painting, producing very novel colors, there is a lot of what should I say? The three-dimensional effect has been created by putting certain paints in very thick form, and it gives excellent texture, and this gives a totally different experience in the painting about the kind of objects that she has selected. Reminds us what some of the red things gives you.